सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज का वीडियो एक थ्योरी वीडियो है, और मतलब आज का वीडियो वापस एक वर्सेस वीडियो है ऐश के पोकेमोन्स का। तो मैंने ऐसा एक और एक पहले भी एक वीडियो डाला है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी जाकर चेकआउट करना। तो आज का जो दो पोकेमोन्स है ऐश के, वो है ऐश का इन्फर्नेप वर्सेस ऐश का स्केप्टाइल। तो दोस्तों दोनों ही बहुत ही खतरनाक दमदार पोकेमोन्स है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में किया था, इस वाले वीडियो में भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे इनके इनके बैटल। तो वो है पहला है ट्रेनिंग, फिर है एबिलिटीज़, और तीसरा है मूव सेट्स। तो जिसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसको वो जीत जाएगा। तो और इनमें से इन दोनों में से यार बहुत ही मुश्किल पड़ा मेरे को करने में, क्योंकि भाई ये दोनों ही बहुत तगड़े पोकेमोन हैं। तो देखो यार, अगर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे रख देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस तुम तक पहुँचे। और लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर वन की तरफ। दोस्तों पॉइंट नंबर वन है ट्रेनिंग। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं स्केप्टाइल से। तो स्केप्टाइल जो है वो ऐश ने पकड़ा था ट्रिको के रूप में, और वो होएन रीजन के कुछ एपिसोड्स मतलब दो तीन एपिसोड्स बाद ही पकड़ा था आई गेस, अगर मैं राइट हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो उसे दो तीन एपिसोड्स बाद ही पकड़ा था, और वो बहुत हार्ड था पकड़ने में, और फिर वो इवॉल्व होते गया और ऐश ने उसे खुद ट्रेनिंग दी है। और मैं एक चीज़ में इंक्लूड करना चाहता हूँ कि ऐश का जो स्केप्टाइल है यार, वो इतना अच्छा ट्रेंड है कि उसने मतलब एक मिथिकल पोकेमोन डाकरा एक तब को हरा दिया था। जी हाँ, तो ये था स्केप्टाइल का। अब देखते हैं इन्फर्नेप का। दोस्तों इन्फर्नेप को भी ऐश ने ट्रेन किया था शिनो रीजन में, बट एक चीज़ यह है कि ऐश ने चिमचार को नहीं पकड़ा था, बल्कि बेसिकली पकड़ा था बट वो एक लेफ्ट ओवर पोकेमोन था पॉल का। जो पॉल उसे सोचता था कि वो बहुत बेकार पोकेमोन है, ऐश द चारमेंडर के साथ कैसा हुआ था वैसा। तो ऐश ने उसे पकड़ लिया, और ऐश ने उसे बाद में पावरफुल बना के उसे विकसित भी किया। जी हाँ, विकसित भी किया। तो और उसके बाद उसने उसे अलग अलग मूव सेट्स और बहुत ही ताकतवर बनाया, और एंड में उसने पॉल को उसी इन्फर्नेप से हरा दिया शिनो रीजन में। तो दोस्तों तो बेसिकली दोनों के हिसाब से देखते हुए मैंने जो ये पहला पॉइंट देने का सोचा है, वो देना सोचा है मैंने स्केप्टाइल को, क्योंकि यार उसने क्योंकि इन्फर्नेप ने बेशक पॉल को हराया होगा यार, बट स्केप्टाइल ने एक मिथिक पोकेमोन या फिर बोल सकते एक लेजेंडरी पोकेमोन डाकरा को हराया था। सो पहला पॉइंट गोज टू स्केप्टाइल को। तो अब बढ़ते पॉइंट नंबर टू की तरफ। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू की तरफ। पॉइंट नंबर टू है एबिलिटीज़। दोस्तों तो दोनों पोकेमोन्स के पास बेहतरीन एबिलिटीज़ है, तो देखते हैं। शुरुआत करते हैं इस बार इन्फर्नेप से। दोस्तों इन्फर्नेप के प्लस उसके पास खुद की एबिलिटी है, जो कि है ब्लेज। जी हाँ, अगर तुमने शिनो रीजन का एनिमल देखा होगा तो एंड में तुम्हें पता चलेगा ब्लेज एबिलिटी क्या है। तो ये एबिलिटी उसको चिमचार होते हुए भी थी, फिर बाद में इवॉल्व होने के बाद वो उसे कंट्रोल करता गया, फिर उसने उसे मास्टर भी किया। तो इसी एबिलिटी की वजह से उसने पॉल को हराया था। तो ये एबिलिटी में होता क्या है कि इन्फर्नेप की फाइटिंग स्टिल्स बढ़ जाती है, उसके फाइटिंग मूव्स और फाइटिंग मूव्स दोनों पावरफुल होते हैं, और उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। दोस्तों अब स्केप्टाइल की क्या एबिलिटी है, मैं वो तुम्हें समझाता हूँ। दोस्तों स्केप्टाइल की एबिलिटी उसकी एक नेचुरल एबिलिटी है, जिससे वो मतलब कोई भी बैटल चल रहा होगा ना, बीच में भी वो रुक के एक दो सेकंड रुक के भी खुद को हील अप कर सकता है, यानी उसकी हेल्थ रिस्टोर हो जाती है, उसकी स्पीड और उसकी एनर्जी भी रिस्टोर हो जाती है, जिससे कि वो आगे के मैच में बहुत ही अच्छा कर पाए। तो इस एबिलिटी को अभी मैं इसका नाम तो बेशक भूल गया हूँ, तो अगर तुम्हें पता होगा इस एबिलिटी का नाम तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों इस और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये एबिलिटी मतलब रिकवर अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्केप्टाइल की खुद की एबिलिटी है जो सिर्फ स्केप्टाइल के पास ही है। दोस्तों इन दोनों पोकेमोन्स को देखते हुए मैंने सोचा कि ये इसमें ड्रॉ करते, क्योंकि दोनों पोकेमोन के पास बहुत ही अच्छी एबिलिटीज़ है। तो ये वाला पॉइंट दोनों पोकेमोन्स को जाता है। तो अभी टोटल ऑल जो पॉइंट का ये रेशियो है वो है 1:2 है, क्योंकि पहले पॉइंट में पहला स्केप्टाइल को एक पॉइंट मिला था, तो अभी इन्फर्नेप को एक पॉइंट मिला है। दोस्तों तो बढ़ते हैं अभी हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है मूव सेट्स। थर्ड पॉइंट देखते हो किसे मिलता है।
सो भाई लोग बढ़ते हैं अभी पॉइंट 3 मूव सेट्स की तरफ। और दोस्तों इसमें बहुत ही मतलब कांटे के टक्कर है अभी तक, क्योंकि यार मैं एक काम करता अभी तुम लोग को स्क्रीन पे दोनों इन्फर्नेम और स्केप्टाइल दोनों के मूव सेट्स स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जी हाँ, तुम देख सकते हो कि दोनों के जो मूव सेट्स है वो है 8-8 है, यानी दोनों के पास 8-8 मूव्स है। और दोस्तों ये बेसिकली ऐश के इन्फर्नेम और ऐश के स्केप्टाइल के मूव सेट्स है, ना कि एक नॉर्मल स्केप्टाइल या फिर नॉर्मल इन्फर्नेप के, क्योंकि नॉर्मल इन्फर्नेप और स्केप्टाइल के पास और भी ज़्यादा मूव्स होंगे, बट ऐश के इन्फर्नेप और स्केप्टाइल के पास इतने ही मूव सेट्स हैं, दोनों के पास 8-8 मूव्स हैं। सो ये बेशक ड्रॉ होता है, देख के बता सकते हो। तो यार तो ये वाला पॉइंट भी दोनों को जाता है, तो ओवरऑल पॉइंट्स हो चुके हैं इन्फर्नेप के 2 पॉइंट्स हो चुके हैं और स्केप्टाइल के 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। सो भाई लोग जैसे हमने देखा सारे पॉइंट्स टॉप व्यू से, तो दोस्तों इन्फर्नेप के पास है 2 पॉइंट्स और स्केप्टाइल के पास है 3 पॉइंट्स, जिसका मतलब है कि हमारा जो स्केप्टाइल है ऐश का, वो ये मैच जीत चुका है ऐश इन्फर्नेप वर्सेस ऐश स्केप्टाइल का। दोस्तों तो ऐश का स्केप्टाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम अगर सोच रहे होगे कि भाई मेरे को भी स्केप्टाइल पसंद है और इसलिए मैंने स्केप्टाइल को जीता है, नहीं यार, तुम लोग नेट पे जाके मतलब मैंने लिटरली मैं मतलब देख रहा था, मतलब सब मैंने आइडेंटिफाई किया, स्टडी किया, उसके बाद ही ये वीडियो तुम्हारे पास आया हुआ है। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन को हिट करना, एम करते 100 लाइक्स का, ज़्यादा नहीं है, एम करते 100 लाइक्स का। और दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और बाजू वाले बेल आइकन को दबाना, और दबाते ही साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसके ऊपर आएगा नोटिफिकेशन फॉर ऑल, तो उसे भी दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बने। और अगर तुम लोग मेरी लेट्स प्ले की सीरीज़ नहीं देख रहे हो तो देख लो जाके, अब तक 4 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं उसके ऊपर, वो भी जाके देखो, उसे भी सपोर्ट करो यार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, होप तुम लोगों को पसंद आया, और अपने जो भी पोके बडीज है तुम्हारे उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलता है तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।